सिंध के तमाम तालीमी इदारे आशूरा तक बंद रहेंगे। सूबाई हुकूमत ने 19 अगस्त तक तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलतवी शुदा इम्तहानात 10 अगस्त तक लिए जाएंगे। रेगुलर इम्तहानात 10 अगस्त से 2 सितंबर तक होंगे। NCOC को कोरोना से लड़ते 500 दिन मुकम्मल। वजीर आजम का NCOC की टीम को खराज तहसीन। सदर आरिफ अलवी की भी NCOC को मुबारकबाद। कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी NCOC को सराहा। सरबरा असद उमर ने लिखा, कौम ने कोरोना का मुकाबला किया और दुनिया में पजीराई हासिल की। NCOC की काविशों पर डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी गई। तेरह साल से सिंध में लूटमार हो रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहा बारिश से पहले चूहे बाहर निकल आते हैं, जिससे पता चलता है कि बारिश आने वाली है। वजीर आजम इमरान खान के सिंध आने के ऐलान पर हलचल मची हुई है। जब इमरान खान सिंध में आएगा तो लूटमार खत्म हो जाएगी। सिंध हुकूमत का डर साफ नजर आ रहा है। सरकारी इदारों को सियासी जमात के विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नून लीग की हुकूमत पर तनकीद। दत्ता तारड़ ने कहा, इमरान खान और चेयरमैन नैब सुन लें, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। उस्मा बुखारी बोली, चेयरमैन नैब कहते हैं वो फेस नहीं केस देखते हैं। हम खानदान और जात पर नहीं जाना चाहते। आप जैसे बहुत आए और बहुत गए। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। हलाक मुलजिमान एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुलसलाम फिरोजवाला में किराए के मकान में रिहायश पजीर थे। हसास इदारों आर्मी पुलिस पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। कोयटा में स्मंगली रोड पर FIA ऑफिस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इक्कीस साल बाद बार्सिलोना का साथ छोड़ने वाले स्टार फुटबॉलर मेसी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। मेसी ने 2004 में बार्सिलोना ज्वाइन किया था। 778 मैचेस में रिकॉर्ड 672 गोल किए। स्पेनिश क्लब को 34 ट्रॉफीज दिलवाई। कश्मीर प्रीमियर लीग में बाघ स्टैलियंस का मीरपुर रॉयल्स को जीत के लिए 212 रन का हदफ। शान मसूद ने 78 और असद शफीक ने 45 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मीरपुर रॉयल्स की बैटिंग जारी। और मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश हुई। ओले भी पड़े। ठंडे मौसम का मजा चाय पकौड़ों से दोबाला किया। पंजाब में भी रिमझिम जारी। गुजरात हाफिजाबाद नारोवाल मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो गई। गुजरात में बिजली की फराहमी मुतासर हुई।